सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। SBL बारबियर वल्गरियम मदर टिंचर क्यूब, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि यूज होती है कुलकुरी एंड किडनी स्टोन के लिए और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का कुछ प्रॉब्लम रहे तो उसमें, और आपको कोई लगी है या पेन हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन वगैरह है या आपके आर्टरीज में पेन है या आपके स्किन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है और आपको बार बार बुखार वगैरह भी आ रहा है, तो उस केस में ये यूज होने वाला एक होम्योपैथिक टिंचर है जो कि एक बोतल के अंदर 30 ml रहता है और इसका MRP 100 rupees रहता है। तो ये किडनी स्टोन में यूज होने वाला एक टिंचर है जिसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा डाला गया है और उसका कैसे फ़ायदा होता है और इसको कैसे यूज़ करने का और इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा और अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और आपको जब भी इसे यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम क्या सेफ्टी आपको जाननी ज़रूरी है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि SBL बारबियर वल्गरियस मदर टिंचर किस काम आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। SBL बारबियर वल्गरियस मदर टिंचर जो कि SBL प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और ये जो कि 30 ml में रहता है जिसका MRP 100 rupees रहता है, 100 rupees जो कि यूज किया जाता है और ट्रीटमेंट करता है किडनी के स्टोन को, मतलब पथरी वगैरह रहती है तो उससे हेल्प करता है और उसको रिमूव करता है, जो कि जब आप इसको पीते हो तो आपको तो पथरी वगैरह रहती है तो वो गिल जाती है, अंदर ही अंदर डिजोल्व हो जाती है और आपके यूरिन के साथ वो कैरी आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। तो इसको जब भी आप यूज़ करो तो आपको रिलीफ मिलेगा एबनॉर्मल पेन से, किडनी स्टोन से जो होता है पेन उससे रिलीफ मिलेगा, आपका जो किडनी फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा और आपको हेल्पफुल मिलेगा डायरिया कॉन्स्टिपेशन और ग्रेनल से जो प्रॉब्लम है तो वो सब से आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसको पीने से आपका जो ब्लीडिंग सेंसिटाइजेशन है और स्टिकिंग पेन है वो बॉडी के अंदर लेग के अंदर वो कम हो जाएगा। तो इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो बारबिडेसियस वल्गरियस एक इंग्रेडिएंट डाला गया है जो कि उसको नाम से जाना जाता है फाइटोकेमिकल से, केमिकल प्रिवेंट प्लांट है ये, जिसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के, सेवरल ट्राइपिनोइड्स एंड इससे ज़्यादा 10 फिनोनेमिक कंपाउंड है जो कि 30 एल्कोनिक इसके अंदर डाला गया है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं और आपको टॉक्सिक से बॉडी से बचाता है। तो इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है जो कि कम करती है इंफ्लामेशन को और ट्रीटमेंट करती है स्किन के प्रॉब्लम को, तथा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है जो कि आपको हेल्प करके रखती है इन्फेक्शन से। इसके अंदर हेपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी है जो कि आपके लीवर को हेल्दी रखती है। तो इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी है जो कि आपके पेन को वगैरह कम करती है, दर्द वगैरह को कम करती है। तो इस टिंचर को लिया जाता है होम्योपैथी डॉक्टर के साथ और अटेम्प्ट मिनिमम किया जाता है बेनिफिट के लिए, और इसको अनयूजुअली सेफ है जब भी आप इसे लोगे डॉक्टर की सलाह से तब। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो बारबिडेसियस वल्गरियस इसके अंदर डाला गया, तो ये क्या काम करती है कि ये इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करती है किडनी स्टोन से और जिसके कारण जो पेन होता है पथरी के सहायता से जो पेन होता है तो उससे रिलीफ देता है। और ये क्या करता है कि आर्टरीज पेन में हेल्प करता है, जैसे कि लेग पेन कर रहा है या बैक पेन कर रहा है उसमें हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन में जो पेन होता था उससे हेल्प करता है और जो नेचुरल पेन होता है तो उससे भी हेल्प करता है, और जो बेनिफिशियल करता है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया से आपको रिलीफ देता है। और जो ये होम्योपैथिक कंपाउंड है जो कि आपको कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं दिखता है, तो इसको कैसे यूज़ करने का है कि इसको डॉक्टर के रिकमेंडेड से 20-30 ड्रॉप ट्वाइस डेली लेना चाहिए जैसे ही आपको होम्योपैथिक डॉक्टर बोले। तो इसको जब भी पिए तो डॉक्टर की सलाह से पिए और इसको केयरफुली इसके जब भी परचेज करें तो इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लें, इसका डॉक्टर की सलाह से डोज ले, बच्चों से थोड़ा दूर रखें और इसको
मेडिकल सुपरवाइजर्स के अंदर ही ले, और जब भी आप इसे घर पे रखें तो आपको ये ध्यान रखना कि सन की लाइट वगैरह उसके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।